श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन स्वरूप के गायब होने के मामले में अज सिख संगठनों के द्वारा SCPC के खिलाफ धरना लगाया गया। इस मौके सिखा का कहना है कि यह धरना उन्होंने द्वारा संकेतक रूप के लगाया गया है क्योंकि SCPC हिसाब देना किसी को जरूरी नहीं समझती, लेकिन सिखा को जानने का हक है। उन्होंने कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए सत्कार कमेटी द्वारा धरना लगाया गया सी अते SCPC द्वारा जबरदस्ती उन्होंने धरने को हटाने की कोशिश की गई और उन्होंने नाल मारपीट भी की गई। इना ही नहीं उल्टा सत्कार कमेटी के सिखा उत्ते मामला भी दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जेकर 328 स्वरूपों के मामले में दोषियों की जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो उन्होंने द्वारा संघर्ष को होर भी तिखा किया जाएगा। हाँ जी, अपना नाँ दस के अज जो प्रदर्शन किया गया वो बारे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास परम सिंह अकाली जी, आप जी जानते हो कि किस तरह जो 328 रूपा का मसला सीगा ते वो मोर्चा चागन चलिया ते बाद दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वालों किस तरीके मोर्चे को तारो पिटो किया गया, सारा कुछ आप जी के सामने है मीडिया के। पर रोस वजो अज इतने वक् वक् जथेबंदियां जिहड़ियां ने उन्होंने इतने जिहड़ा रोस प्रदर्शन कर रही ने, असं भी वो एक सेवादार होने के नाते हाजरी भरन आए हैं। की कहना चाहोगे जिहड़ा SCPC वालों झड़प हुई है तुहाडे उत्ते हमला कीता, उन्हां दा दोष है तुसीं हमला कीता, पर्चे कराए गए? नहीं, वह तो सुभाविक तौर तुसीं जानदे हो कि वह एक बहाना बना करके भाई सुखजीत सिंह खोसे दा कि उन्होंने जी प्रबंधा में दखलंदाजी की है जां उन्होंने गेट नूं जंदा मारता, जबकि मोर्चे वालों स्पष्ट किया गया कि जंदा उन्होंने मारिया तो उन्हों का प्रश्न सीगा। उन्होंने कहा भी आ कि मेनू अंदर धक्के मारे गए, मैं दस्तार लाई आ, मैं वो रोस में जंदा मारिया गेट नूं। सो मोर्चे का जंदे नाल कोई लिंक नहीं सी, पर उन्होंने उस चीज़ में इशू बना करके बहाना बना के आगे मोर्चे से अटैक किया, तो बाद दे विच ये बात तक साढ़े सिंह गल पे ने, जबकि आप जी मीडिया भी सारा उत्थे मौजूद सीगा, सारिया वीडियो नैट के उत्ते मौजूद ने कि कौन आके गल पिया, किन्हें आके झगड़ा शुरू किया, तो सारे की हालात होए, संगत सारा जानती है। जख्मी ने हस्पतालां च पए होए ने, जिहड़े इलाज ने, ते जिन्हां चिर पहिलां सिंघां दा साडी जिहड़ी शुरू आ पहली कोशिश सिंघां दा भैणां दा इलाज कराउण दी आ, उस तों बाद अगली जिहड़ी रणनीति आ सारी संगतां दे सहयोग दे नाल जो होऊगी ओह तुहाडे सामणे होऊगी। प्रधान वल्लों प्रदर्शन नूं बंद किया हुआ की हाँ पता लगा कि उन्होंने ये किया वा कि इतने रोस प्रदर्शन करना जो मना कर दिया गया वा, पर मैं लगता वा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खालसा पंथ की निजी जगीर आ, किसी मनुख की नहीं, पर जेकर कोई इदा की डिक्टेटरशिप करेगा तो खालसा पंथ वह जवाब देना जानता ही है। हाँ जी, अज देरा मार्च रोस प्रदर्शन किया गया करन दे की कारण आ जी? अज का जरा रोस धरना है, संकेतक असी कहा कि संकेतक धरना देंगे, वक् वक् सिख जथेबंदियां इतने शामिल ने जिन्हों के आगू साहबाना भी अही कहा सी, आम संगत का बहुता नहीं सी रखिया ताकि यहोजा कोई माहौल ना बने। साडा मुख मकसद ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब की जी बेदबी पिछले दिनों च हुई है, 328 रूपों का जो जिक्र आ रहा है, कोई 500 रूप कह रहा, कोई 1000 कह रहा है, श्रोमणी कमेटी के जथेदार साहबान 328 रूप कह रहे हैं, श्रोमणी कमेटी का दफ्तर जोड़ा है वह 267 कह रहा है, मतलब जो भी है इन संबंध से सारे स्वरूपों की सही जानकारी कौम में होनी कि स्वरूप है कितने आ, छपे किन्ने से, कागज किन्ना आया सी, छपाई किन्नी हुई है, वो स्वरूप कितने कितने गए आ, किन्ने उन्होंने मतलब कि पंथ को पहुंचे आ, कोई गैर पंथक लोगों को पहुंच गए आ, कि राही गए कि सिफारश गए, कोई हिसाब किताब कोई सिस्टम, जबकि आडिट होंदा सब कुछ होंदा क्यों नहीं पता लग रहा, उसकी जानकारी दिती जाए कौम इन संबंध में। कुछ जथेबंदियां नौजवानों दी इत्थे बैठिया सन जिन्हां दे उत्ते इन्होंने बहुत गहरा तशद्दुद किया, और उस समय दुख की गल यह है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो धर्म प्रचार का सेंटर है, साडा श्रोमणी कमेटी का सेंटर है, वो टैरोगेशन सेंटर बन गया, उत्थे एक SP रैंक का अफसर जिहड़ा सी वो आके बैठ गया, 3 घंटे अंदर रहा, 6 घंटे सिंघां दी कुटमार हुंदे रहे, और इस दरम्यान उन्हां दीआं लत्तां बाहवां कईआं दे लत्तां दे मणके तोड़ दित्ते, किसी दे सिर पाड़ गए, आके दीआं मतलब कि कोई सट्टां लगियां कुचियां, किसी दे डांगां सोटे, एक बड़ा भयानक दृश्य जिहड़ा है वो इन्हां ने पैदा किया, उहदे बारे ये रख्या है
के फिर उस तो बाद उन्होंने उत्ते केस रजिस्टर कराया गया। असीं इह परसों इह गल कही सी कि इह केस जिहड़ा उन्हां ते बनदा ना कि इन्हां ते बनदा, तो इस करके असीं मतलब इस लई बैठे हाँ ते सरकार नूं कहा है भी केस उन्हां दे करो ते उन्हां दी गिरफ्तारी करो, ये बेनती असीं कीती हुई है। मोर्चा पक्की तौर ते होऊगा कि नहीं जी, अज असीं संकेतक मोर्चा लाया, इस तों बाद पंचक जथेबंदियां नाल सारियां नाल सलाह मशवरा करके असीं फैसला को कर सकदे हां। एजीपीसी दे बाहर क्यों नहीं आगल का धरना लगा दिता गया जी? हाँ जी, एजीपीसी दे बाहर क्यों नहीं धरना लगा दिता गया जी? आखिर एजीपीसी ने साडा प्रोग्राम ही इत्थों दा दित्ता सी, असीं कोई ऐसा टकराव नहीं करना चाहुंदे, ना कोई इहो जी गल करना चाहुंदे, असीं तां बोर्ड सिस्टम राही इन्हों लोगों इतों रवानगी करना चाहते हैं कि तुम बहुत पाप कर रहे हैं, बहुत गुंडागर्दी कर ली है, बहुत गुरु की गोल्फ लुट रही है, तुम इतने गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपा नाल होर बाकी हर चीज़ किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं रख्या, रुमालिया का जाने के सब सिस्टम खराब करता, तो तुम इतों छड़ के चले जाओ। पर इलेक्शन नहीं हो देंगे, कई कई साल लगातार लगा देंगे। हूँ चोन कमीशन बन चुका है, असं आस करते हैं कि चोन कमीशन की सरकार जल्दी इलेक्शन कराएगी और इस तरह चंगे अमृतधारी गुरसिख चढ़ती कला वाले नाम पाणी वाले सिमरन वाले सेवा वाले बंदे अगे आन और आके गुरुद्वारे का प्रबंध संभालन, तो राजनीतिक लोग जोड़े उन्होंने इतों गुरुद्वारे चो विदायगी दी जाए। आवाजी कम टीवी अमृतसर तो ललित शर्मा की रिपोर्ट।